hasta el día de hello lovely gamers, welcome back to the world of Canada. Kaisan ba? Guys, aaj hum log dobara se khelne ja rahe hain Palworld. लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 और वहां हमने बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन पकड़े और आज हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस आइलैंड पे भी बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन हैं और इन लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए मैंने बहुत ही खतरनाक लेवल का स्ट्रेटेजी बनाया है। तो चलो खेलते हैं। लेकिन गेम प्ले आधे में देख के मत भाग जाना क्योंकि स्ट्रेटेजी भी जाननी है बाबू भैया। सो लेट्स गो गाइस। गाइस वेलकम बैक टू लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पैलवर्ल्ड। और यहाँ पर रात हुई है तो फिलहाल तो सो जाते हैं, जो काम करना है सुबह होना करना होता है। और अभी तो फिलहाल कोई पोकेमोन पकड़ने भी नहीं जाना है, हम लोग को तो पकड़ना है लेकिन हम लोग को जाना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 में। तो नाइट से सुबह हो गई और ये तो मैंने देखा नहीं, ये कुल्हाड़ी से काटता है, इतना बड़ा कुल्हाड़ी से। भाई ये वाला किसी को लगा ना, वो तो गया, देखे सामने आके मारो मेरे को, कहाँ मारता है, छोड़ो इसको। तो गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, सोच रहा हूँ कि मेरे पास दिखाता हूँ, रुक जाओ दिखाना पड़ेगा। ये मेमोरेस्ट क्रिस्ट जो कि बर्फीला वाला है और एक मेमोरेस्ट है जो जंगल में ऐवें घूमता रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को ब्रीड करने के लिए। और ये वाला जो है लेडीज डिपार्टमेंट है और मेमोरेस्ट जो नॉर्मल वाला है वो जेंट्स डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो सोच रहे हैं इन दोनों को ब्रीड करें। लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, वहाँ जाके सारे पोकेमोन पकड़ेंगे उसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा मार पिटाई करने में सही है। एनुबिस भी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लेता है, लेवल 31 है इसीलिए। फॉक्स पार्क सबका बाप है और मोसेंडा लक्स ये भी लेके जाएंगे और ये तो अपने भागने के काम आते हैं। और इन सबको पकड़ने के लिए मैंने जो किया है, यहाँ 50 अल्ट्रास्फेयर थे, ये घट कैसे गया, तो रुक जाओ पूरे 50 लेके चलते हैं, हाफ सेंचुरी, क्योंकि वो लोग जल्दी पकड़ में आते नहीं। और अल्ट्रास्फेयर का जो पावर है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, कैप्चर पावर 32 है फिलहाल। हम जितना मेरा लेवल है दिखा देता हूँ, मेरा लेवल है अभी, वैसे ही वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन 38 लेवल में अल्ट्रास्फेयर ही आता है, इसके बाद कोई स्फेयर निकालना हो तो लेजेंडरी स्फेयर 44, वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा बाबू भैया। तो चलो हम लोग एक और स्फेयर बना लेते हैं, बाकी सारा सामान तो है हम लोगों के पास। तो स्फेयर बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है ये मैंने लेटेस्ट बनाया हुआ है, यही है जो अल्ट्रास्फेयर बना सकता है और किसी में ताकत नहीं है। और मेरे को रिफाइंड इनगॉट चाहिए और सीमेंट भी चाहिए। चलो सीमेंट बनाते हैं, देखते हैं सीमेंट बनाने के लिए आई थिंक हम लोग इधर बना सकते हैं सीमेंट। बनाने के लिए भी पैल फ्लूइड चाहिए। ओह नो, पैल फ्लूइड तो तभी मिलेगा जब मार पिटाई करेंगे, तो हम लोगों को लगता है अब 49 ही लेके जाना पड़ेगा, तो 49 ले लेते हैं और चलते हैं। और कहाँ जा रही है, ओए कहाँ, अजीब पागल है, कहीं भी चली जा रही है। ओ भाई ये सुबह क्यों सो रही है पगलेट, ये देखो एक मिनट ये खराटे ले रहा है, कोई एंगल में किए थे तो खराटे सुनाई दे रही थी इसकी। छोड़ो भाई तुम ऐश करो, सो जा। कौन चिल्ला रहा है भाई, अजीब तरह की आवाज़ें आ रही है। तो ओ अंडा देख के आ रहा है, मैंने बहुत सारे पोकेमोन अंडे बनने के लिए, मतलब पोकेमोन अंडों से निकलने के लिए रखा हुआ है। तो चलो पहले कुछ अंडे देख लेते हैं, उसके बाद बहुत कुछ करना है। सारे अंडे मैंने ऊपर रखे हैं क्योंकि वहाँ तो बस हम लोग का ही काम है, बोले तो मेरा ही काम है, पोकेमोन का कोई काम है नहीं। तो ये लार्ज फ्रोजन एग है, चलो बिड़ू बताओ इसमें क्या है, क्या ये ओ तेरे ये नया वाला टाइप का है, तो इसमें हम लोग दूसरा अंडा ठूस देते हैं, और कोई अंडा है नहीं मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे एग हैं, लार्ज इलेक्ट्रिक एग, इधर उधर घूमेंगे तो बीकन, भाई तुम अभी मिल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। ये ह्यूज ड्रैगन एग है, देखते हैं इसमें कौन सा ड्रैगन निकलता है। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 जाएंगे तो वहाँ से शायद आते आते इतना टाइम हो जाएगा मे बी। और ये किंग पा का क्रिस्ट, अरे ये तो पकड़ने जाने वाले थे, शायद मैंने पकड़ भी लिया है। तो ये ह्यूज इलेक्ट्रिक एग पकने में अभी टाइम लगेगा 12 मिनट। तो दो अंडे हैं जिनका फूटने का इंतज़ार करना है, और
टाइम लगेगा, तो इनको छोड़ते हैं यहीं पर। ओए होए पगलेट, नीचे उतरना, अजीब है ये, लगता है मैं पीछे की तरफ हूँ। कैटिवा सीम्स टू बी स्ट्रगलिंग विद देयर टास्क। अच्छा ठीक है, सारे भुक्कड़ लगे हुए हैं खाने में। कैटिवा को हम लोग क्या करते हैं ना, छुट्टी पे भेज देते हैं, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। वैसे कौन वाला कैटिवा, ये वाला शायद, स्प्रेन, इसको थोड़ा लफड़ा है तो कोई दूसरा, ये प्लांटिंग वाला नहीं। मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा कैटिवा। वैसे कुछ अंडों की ज़रूरत है तो मुर्गी उतार देते हैं, जाओ तुम थोड़ा अंडा हैच करो। ये वाला साइड ठीक है, और हम लोग के पास जो ये टीम है ये बिल्कुल सही है। बाकी का सामान जो है यहाँ वहाँ रख देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सामान इधर उधर लेके नहीं घूमना चाहिए। ये भी रख देते हैं, की लेके हम लोग चलते हैं। फेदर हटाओ, ओ नो एमओ सिर्फ 7 है, देखते हैं ये एमओ बना सकते हैं कि नहीं हम लोग। और अभी तक मैंने कोई दूसरा गन बनाया भी नहीं, तो ये इधर क्या कर रहा है भाई, तुम इधर आओ ना, खाना इधर है, चाबी इधर है। खाना बहुत कम हो गया, तो हम लोग को थोड़ा खाना भी ले लेना होगा, और थोड़े बहुत एरोस बनाने हैं ताकि एरोस से मार सके। वैसे कोर्स एमओ का क्या कहें, अजीब है ड्रामा, बनाने में शायद टाइम लगेगा, तो कोर्स एमओ भी बनाया जाएगा। ओहो थोड़ा बहुत बेरीज की कल्टीवेशन कम हो गई है, ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा। ये लोग टमाटर और वीट ज़्यादा उगा रहे हैं, अजीब है। अच्छा इन लोगों को देखते हैं, तो हम लोग चलते हैं वेपन असेंबली वाले पे, वहाँ पर जाकर बनाते हैं थोड़े एमओ और थोड़े बहुत वेपन असेंबली लाइन। ये है ना वेपन वाले हो ना, हाँ वेपन असेंबली लाइन, तो हम लोगों को ये वाला एमओ बना सकते हैं। मैक्स कितना, 5 ही बना सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। और चलो इसको बुलाते हैं, ये बहुत फास्ट टाइम फास्ट काम करता है। चल भाई लग जा काम पे। हाँ 50 बनेंगे, आई थिंक 50 सही है। और हम लोगों के पास फायर वाला है, इसको रिपेयर करना होगा, तो इसको भी रिपेयर कर देते हैं। रिपेयरिंग वाला शायद यहाँ है, तुम अपना काम करो, हम लोग आते हैं इधर से रिपेयर करके। इसको रिपेयर करना है तो रिपेयर, ओके इसको भी रिपेयर कर देते हैं। फाइट करने जाओ ना तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके जाने का। और इसको रिपेयर करें, नहीं कर देते हैं ना, क्या करना क्या है, रिपेयर ही तो करना है। चलो आई थिंक ये बना दिया, क्या फास्ट बनाते हैं भाई। तो 50 एमओ बनाए हम लोगों ने, और थोड़े बहुत ये एरो बना लेते हैं। कितने कितने, 30 सही है, चलो ज़्यादा नहीं लेते हैं। वो 30 मतलब 155, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन देखो क्या फास्ट बना रहा है। इसको देखो, इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अब हम लोग बनाते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। देखो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम, ज़्यादा ही टाइम लगता है। छोड़ा भाई तुम आ जाओ अपने काम पे लग जाओ। ये जितना फास्ट है उतना ही बड़ा उल्लू है, ये अगर आपके पास होगा ना तो देख के पता चल जाएगा। इस ये काम अच्छा करता है, बस इसके पास इसकी अपना खुद का जो ब्रेन है ना वो नहीं है। तो ठीक है भाई, चल बहुत बुराई कर ली मैंने तेरी, और तो अच्छा भी है। तो हम लोग रेडी हैं फाइट के लिए, ओके। पहले देख लेते हैं सारे पोकेमोन सही हालत में है ना। हाँ ये सही है, और इन लोगों को काम करने के लिए छोड़ देते हैं। आग वाला एक कौन अभी ऊपर से नीचे आया, ये इधर क्या करने आया, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बकलोल कहीं के उधर, ये शॉर्टकट में काम कर रहा है, मतलब जनरेटर उधर है ये काम इधर कर रहा है। अच्छा करने दो इसको, आई थिंक पीछे तो सब कुछ हटाना पड़ेगा, ये लोग पीछे नहीं जाता है घर के या बेस के जो भी समझो। तो मैं कुछ जो लेटेस्ट पोकेमोन हम लोगों को मिला था, चलो वो थोड़ा देखते हैं। तो लेटेस्ट पोकेमोन भाई, इतना पोकेमोन, ये क्या है, चलो इसको उतारते हैं। आ जा तो बेड़ू, पानी वाला ही काम करता होगा देख के लगता है, वैसे नहीं। ओ ये पकड़ने गए थे, मार खा के वापस आ गए थे, तो ये अच्छा काटो काटो, चलो ये बढ़िया है। तो अब हम लोग लोडिंग वोडिंग वाला काम कर लेते हैं, ये भी लोडेड है। अब चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, जाना यहाँ से है। सेंचुरी 2 जो है यहाँ पर है, 1 यहाँ था ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने बेस बनाया। 3 यहाँ पर है, 2 का पूरा पोकेमोन हम लोग पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद चला जाएगा ओके।
सो लेट्स गो और देखते हैं यहाँ पर कितने सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं। चलो भाई, और उधर कौन है? उधर अंडा भी है शायद, तो उड़ने वाले को बुला लेते हैं। आ जाओ, ओए आ जा, मैप देखते हैं। मैप में हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हम लोग को जाना इधर है, दिख भी रहा है। थोड़ा खा लेते हैं। अरे बाबा, हेल्थ बड़ी जल्दी लॉस हो रहा है। सबको खिला पिला देते हैं। चलो लेट्स गो। एक्साइटमेंट बहुत है कि यहाँ कौन कौन से पोकेमोन मिलेंगे। लास्ट जो वन वाले में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन में मैं गया था, वहां के सारे पोकेमोन मैंने ऑलमोस्ट पकड़ लिए हैं। वहां पर ग्रिजबुल जो है वो बहुत कम स्पॉन होता है, इसलिए मैंने सिर्फ दो ही पकड़ा है अभी तक वहां से। बाकी वहां पर ज्यादातर वो जो डियर है वो स्पॉन होती है, और अपना पेंकिंग वो हाई लेवल पे। तो 10 वहां से पेंकिंग पकड़े हैं मैंने, और जो डियर है गोल्डन सिंगो वाली वो मैंने पकड़ा है। अब चलो, मैंने उधर अंडा देखा था लेकिन मैंने गया नहीं। कोई बात नहीं, होता है, बाद में ले लेंगे अंडा। तो लेट्स गो। उधर कोई अभी से दिख रहा है? यहाँ जो ये रेड हो जाता है ना, मैं इसी से डर जाता हूँ। हम लोग के पास 49 अल्ट्रा स्फेयर है। चल भाई, ऊपर से चलते चल। ओहो, ये तो वुम्पू बोटन है। एक काम करते हैं। अबे नहीं, ये नहीं करना था भाई, तू आ जा। अबे हाथी तू नहीं। हाँ, अब हम लोग थोड़ा ये कलेक्शन कर ही लेते हैं, आए हैं तो। ओए उधर मत जा, मैं इसको थोड़ा देता हूँ खाना पीना। 43 लेवल का है ये। ओ नो, दो है इधर। अगर दो, तीन इधर। अरे भाई, ये तो अजीब है, एक साथ इतने कहाँ से आ गए? ये दोनों बाद में स्पॉन हुए हैं। अगर ये तीनों हमला किए तो हम लोग गए। ओ भाई, ये ड्रैगन भी इधर आ जाओ। ओ ले ले ले, पकड़ पकड़। ओहो, ये ले मुंडी पे, ये मेरे पास आ रहा है। उसी से दोस्त, इधर आ जाओ, इधर से हमला करो और पकड़। गया गया गया। ओ नो, छुटकू हेल्दी है अभी। चलो हम लोग इधर चलते हैं। अरे यार छोड़ ना, वो ड्रैगन पकड़ना है हम लोगों को। ये लो आंखों पे खा। ये अच्छा है कि बाकी दूसरों वंपो बटन हम लोग पे हमला नहीं कर रहे। अरे यार, इसीलिए मैं बोल रहा था स्पेयर ज्यादा लेके आना चाहिए। देख रहा, अरे भाई भाई, भाई। इधर से मारते हैं। ओहो, बहुत सारा नुकसान। एक काम करते हैं, हम लोग इससे मारते हैं। ये लो, वो वाला दूसरा वाला गरम नहीं हो रहा है। पकड़। अल्ट्रा स्फेयर का नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन अभी एक और मारेंगे ना हम लोग, शायद ये पकड़ में आ जाए। एक दो और। अरे ढीठ हो, ई लो आंख पे खाओ। डेंजर। अरे यार, इतने सारे स्पेयर खा गया ये। आ ना सत्यानाशा कहीं का लिस्ट में आ गया मेरे दोस्त। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग शांति एंजॉय करते हैं, कोने में जाके इधर छुप जाते हैं, इसको खिला पिला देते हैं। खा लो खा लो। ओहो, ये इसका ज्यादा लॉस हुआ। अब कि हम लोग ना हाथी उतारा जाएगा, लेकिन हाथी उतारने का डर ये है कि वो थोड़ा पता नहीं। अब उस ड्रैगन से लड़ने चलते हैं, जिंदा बचे तो ठीक है, दोबारा आएंगे। ये तो वुम्पो बटन हम लोग को मिल चुका है, तो चलो वहां चलते हैं। आई होप कि दूसरा ड्रैगन और ना आ जाए। इधर कुछ चमक रहा है, और वो मोबाइल टाइप का कुछ, क्या कहते हैं, नया मिशन टाइप का होता है, वो लेना है शायद। आ जाओ हाथी मेरे साथी, चल आ जा, ये ले। अब हम लोग, ये किसको मार रहा है? स्टार्टिंग में आके मेरे को ही ढो दिया क्या? ये लो आग से जलो। बाबा रे, कितना लेवल? 43 सब घूम रहे, और लैग क्यों हो रहा है? जहां पर ज्यादा गतिविधियां होती हैं वहां पर लैग हम लैग तो होता ही। ओहो, 10 घंटे से महारानी लोड कर रही है। पीछे वुम्पू बोटन है। ये क्या ग्लिच है भाई? वापस आ जाओ, अजीब तरह का ग्लिच हुआ।
जल्दी ऊपर चल, जल्दी ऊपर चल। अरे उस हाथी को तो मैंने बुला लिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह हम लोग जमीन के नीचे कैसे चले गए। आ जा भाई, तू ही सहारा है बस। आग को आग से, ये दीदी ना लोड करने में 10 घंटा लगा रही। अब एक काम करते हैं, फेंकना स्टार्ट करते हैं। उससे पंगा मत ले। कौन ले रहा है पंगा? एक को तो संभाल ले। आजा 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 भाई, उस वुम्पू बोटन से पंगा मत ले। गधा है मैं। ओहो एक मिनट, ये जाके उसको मार रहा है। थोड़ा इधर उसको मार रहा है, थोड़ा वो उसको मार रहा है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं और मैं कंफ्यूज हूँ। आ जाओ दोस्त, आ जाओ लिस्ट में आ जाओ। ओहो अपना हेल्थ बहुत लो है। सत्यम ऐसे कहीं के आ जाए ना, जल्दी जल्दी भागते हैं इधर से, कहीं वो ड्रैगन को मार ना दे। मेरा छुटकू बहुत बदमाश है। अब हम लोग मोसैंडा लक्स को उतारते हैं। जा भाई जा, तू लड़, मैं आता है थोड़ा खा पी के। इसको खिला देते हैं। जाना जाना उधर बकलोल। आ ड्रैगन को मार दिया इसने। छोड़ो इसको ले लेते हैं लिफ्ट में। पगलेट है सब। अब फिर से एक ड्रैगन पे मेहनत करना पड़ेगा। तो इस ड्रैगन को हम लोग वैसे मार देते अगर वो ग्लिच नहीं होता। पता नहीं वो ग्लिच था कि इसका पावर। हम लोग नीचे चले गए। ड्रैगन को मारने से क्या मिला? आग वाग कुछ मिला होगा, फ्लेम ऑर्गेन ही मिला। दो चलो वुम्पू बटन को अब रहने देते हैं, इसे हम लोग बाद में। ओ तुम आ जाओ रे, झूठ मूठ का लफड़ा कर दोगे किसी से, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा और खा लेते हैं। खाना पीना छूटना नहीं चाहिए। पक्षी का बुलाते हैं, आ जाओ मेरे दोस्त। इसको लेके उड़ते हैं थोड़ा ऊपर, देखते हैं ऊपर कौन से हैं, क्योंकि इधर तो वुम्पू बटन। ये शायद गोल्ड। ओहो तीन तीन है भाई, पंगा नहीं लेने का। तीनों बहुत मारेंगे। ओह इसको इधर गिनना था। मुझे लग रहा है गोल्ड है कि सल्फर है, सल्फर ही होना चाहिए। देखते हैं चलो थोड़ा बहुत तोड़ते हैं। ओ नहीं ये नरक के द्वारों का, अगर ये लोग देख लिए ना तो बस। नीचे चल, नीचे चल, साइड से निकल। अरे यार एक और ड्रैगन मिल जाता तो सही होता, उसको हम लोग धो देते शायद, या फिर वो हम लोग को धो देता। कोई तो मिल जाओ एक और ड्रैगन प्लीज। ओहो ये वाला लास्ट बार हम लोग नहीं पकड़ पाए थे। ये शायद वन में भी था, वन में नहीं थ्री में था। हाँ वैसे इससे पंगा ले हैं, थोड़ा हेल्थ बढ़ जाने दो। इसका भी हेल्थ अभी थोड़ा डाउन है और मेमोरिस्ट भी बेहोश है। काम करते हैं हम लोग नीचे चलते हैं और वापस घर जाके सो के आते हैं, ताकि तब तक मेमोरिस्ट भी हो सकता है जिंदा हो जाए। ऑब्वियसली एक नाइट अगर सो के उठो तो जितने भी बेहोश पोकेमोन है ना वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तुम हटो बे, देखता हूँ मैं ये है क्या। ये सल्फर है जैसे मैंने कहा था, सल्फर है भाई। बोले इसमें गोल्ड कहाँ क्या कर रहा है। तो भाई मेरे आ जाओ, नाइट होने वाली है, जाके अपने बेस पे थोड़ा सो जाते हैं। सही जा रहे हैं हाँ, तो बेस पर जाके सो जाते हैं। मेमोरिस्ट तब तक जिंदा हो जाएगा, थोड़ा अपना फॉक्स पार्क भी हेल्दी हो जाएगा, और सुबह आके हमला करते हैं ड्रैगन पे, और वो जो दो पैर वाला हिरन था शायद उसको पकड़ा जाएगा। सारा प्रॉब्लम मतलब ग्लिच जो है ना, वो पता नहीं वो ग्लिच भी था कि क्या हो सकता है ड्रैगन का कुछ स्पेशल पावर हो कि वो मारे तो नीचे से पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। मुझे तो यही लग रहा है। अब देखते हैं दोबारा अगर ऐसा हुआ तो। चलो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी चलो, नाइट होने वाली है। नया वाला जो वुम्पू बटन पकड़ा है ना हम लोगों ने, चलो वो टेस्ट कर लेते हैं। ओके अभी इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, रात को सो के उठेंगे ये अपना हेल्दी हो जाएगा। तो कहाँ हो बिड़ू? ये तो किंग पार्क का है। वुम्पू बटन 45 से, ये क्या लेवल सिंक, ज़्यादा से कम का है होगा। 43 से 38 हो मेरे, मतलब सारे 38 है ऑलमोस्ट ना, तो लेवल सिंक करने के लिए सब ड्रामा। तो एक उतार देते हैं, किसको हटाएं हम लोग।
इसका कोई काम नहीं है क्योंकि लकड़ी हम लोगों के पास बहुत है, और ये भी शायद लकड़ी तोड़ने वाली ही पार्टी है, और साथ में प्लांटेशन भी करते हैं। चलो हाँ, ये कितनी जगह लेगा, आधा से ज़्यादा बेस तो यही खा जाएगा। तो लकड़ी तोड़ने वाली पार्टी बहुत हो चुकी है हम लोगों के पास। तो नाइट हो गई है ऑलमोस्ट, अब देखना अपना जो ये क्या कहते हैं, रुक जाओ दिखाते हैं, इधर से दिखाते हैं, ये मैमरिस्ट क्रिस्ट मर चुका है, और अब हम लोग इसे जिंदा करेंगे। बस उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सो जाना है। निन्नी गैया करेंगे, वो उठ जाएगा, वो मतलब बेहोश है शायद, तो उठ जाएगा। चलो यार, मुर्गा किसने अपॉइंट किया, हो बार बार मैं भूल जाता हूँ। चलो यहीं से दिखाते हैं, तो देख लो पूरा हेल्दी हो चुका है। पता नहीं ये शायद ग्लिच है कि क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा है। अब हम लोग दोबारा से चलते हैं, गन लोडेड है ना, गन 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 लोड कर लो, यहीं पर जितना टाइम वेस्ट करना है कर लेते हैं, वहाँ पता जाके लड़ाई करनी होती है। और हम लोगों के पास 30 ही है ऑलमोस्ट, समझ लो 19 स्फेयर खत्म हो गए और पकड़ाया सिर्फ दो, बहुत लफड़ा होता है। यहाँ बेस बनाने से उतना कुछ खास नहीं लगता, मेन ये है ना, रेड रेड स्काइज रहते हैं, वेदर अजीब रहता है, एक तरह का डर लगा रहता है। तो मैं वाइल्ड सेंचुरी वन में जो मैंने बेस बनाया है, बनाया नहीं है, बस सिर्फ पैल बॉक्स रखा है, तो सोच रहा हूँ वो हटा दूँ, क्योंकि वहाँ अब जाना नहीं है, वहाँ जितने भी पोकेमोन है सब मैंने पकड़ लिए हैं, और गिजबोल्ट जो है वो कम ही स्पॉन होता है वहाँ पर। नीचे चलो, नीचे चलो, इस बार कोई ग्लिच टाइप का ना हो, या जो भी है वो ना ही हो तो अच्छा है। ड्रैगन मेरे दोस्त, ये वाला हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, मेरे पास है, लेकिन फिर भी आए हैं तो पकड़ के ही जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। तो अपने बीड़ू को बुलाते हैं, तुम आ जाओ बे। अब इसके लिए चलो चलो, ओहो ड्रैगन भी है, तो एक दोस्त पहले इसको निपटाना है, उस वाले ड्रैगन से पंगा मत लेना। रुक जाओ रुक जाओ, मैं रीलोड कर रहा था तो ये वापस आ गया। ड्रैगन भैया हमला मत करना प्लीज, तुमसे अकेले में बाद में निपटेंगे हम लोग। अरे इसको क्या खुजली हो गई रे, भाग तेरी की, सत्यानाश हो गया मेरा, भागो। एक को देख देख रहे झगड़ा करते हुए, तो सब आ जा रहे हैं मेरे ऊपर, भाग 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 भाग, उधर से आग उगल रहा है। फेंकते हैं, ओहो सत्यानाश हो इसका, ओ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वाह लड़ो लड़ो लड़ो, मेरा काम बन जाएगा। इसको बुला लेते हैं, अरे मेरे दोस्त तुम मरना है नहीं, 1% चांस है, जल्दी आ जाना लिस्ट में। इसको बुला लेते हैं, ये दोनों आपस में ही लड़े, हाँ चलो ठीक है। अबे रुक जा, कहना था कहीं का, वो नो नो बिजली भी कड़का रहा है। आ गया वो वाला आ गया, अब तुमको निपटाएगा मेरा ये दोस्त। अब मैं चला थोड़े साइड में हेल्थ बढ़ाने, जल्दी 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 मारना मत उस ड्रैगन को मेरे दोस्त, मैं बस सत्यानाश हो इसका, आग फेंकने वाला है, भाग जा। ये ले, ये गया, मोसांडा जा उसको निपटा। अरे मुंह मत ताक रे गधे, इसको उधर उड़ने कौन बोला, जितना घटिया स्ट्रैटेजी है कर वाला काम करता है ना, जाके उसके सामने खड़ा हो गया। लो गधापंती कब बंद करोगे बे, इसीलिए मुझे वो सिर्फ फॉक्स पार्क पसंद है, डैमेज अच्छा देता है। अरे 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 अरे, बगल में उसे चुम्मा चाटी कर, उसको मार ना, देख लो। चलो ठीक है, नहीं 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 मेरे को तल दिया रे, आओ ना सारे के ना सब, ओ इसको पकड़ के जाएंगे, इस वाले ड्रैगन को चाहे जो भी हो, ओ सारे खा लो मेरे। और अरे अरे अरे, इसको नहीं, मेमोरिस्ट आ जा मेरे भाई, हाथी मेरे साथी प्लीज, बस उसको मारना नहीं। अब
अरे उसको सूंड से उठा के कहां ना, सारे के सारे मेरे स्पेयर। सोचो वो चिल्ड्रन स्पेयर लेके आए होते तो क्या होता मेरा। पकड़ के रहेंगे तुमका तो पकड़ के रहेंगे। दो परसेंट चांसेस है, 11% हुआ। ये खाओ, ड्रैगन बनता है और ही दो। चलो चलो बचे। हाँ इतना परसेंट पहुंचा है, यानी अब चांसेस है और 50% अबव हो जा। यस आ गए और ठाकुर अपने लिस्ट में। अब क्या करते हैं, साउंड कहाँ चला गया? अजीब अजीब बीच हो रहे हैं इस बार, तो हम लोग थोड़ा सवारी करते हैं और देखते हैं और कौन से नए नए हैं। वो एक जो मैंने डियर बोला था दो पैरों वाला, वो भी देख लेते हैं। ओ एक और ड्रैगन। नहीं 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 अभी नहीं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अभी उस ड्रैगन को देख लिया जाए कि वो करता क्या है। फिर से साउंड बजने लगा जो, ओहो रेरे के साउंड का जो लोचा है ना वो अजीब हो रहा है। गाइस लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन हम लोग आज वो ड्रैगन थोड़ा देख लिया जाए अपने बेस जाके। ओ भाई जोरमुंड इग्निस, क्या नाम रखे हो, लेवल 44 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर उतारते हैं। चलो क्या करोगे, ये आग ही उगलेगा और क्या। चल भाई क्या लग रहा है, इसकी राइड कर सकते हैं हम लोग क्या, उठा सकते हैं। इसका सैडल वैडल शायद बनाना हो तब जाके कुछ होगा। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 का गेम प्ले कंटिन्यू रखें या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 जाए, ये आप लोग कमेंट में बताओ। ओके क्योंकि थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है गेम की, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आज का गेम प्ले यहीं तक रहने देते हैं। गेम प्ले अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गेम खेलते रहो।